नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे प्रियांक उपाध्याय, एसएसजे कमोडिटीज के एवीपी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट अमित सजेजा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर शाम के कारोबार में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शाम के कारोबार की पहली बम्पर कॉल है सिल्वर, जहां पे 43,150 के स्तर पर आपको बाइंग की सलाह दी गई है। 43,750 का टारगेट होगा, 42,850 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में, नेचुरल गैस, यहां पे 184 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 179 का टारगेट होगा, 187 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ और ऐसे काउंटर होंगे जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। और आज की तीसरी बम्पर कॉल सिल्वर ही है, जहां पे 43,100 के स्तर पर बाइंग की सलाह है, 44,000 का टारगेट होगा। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड का मार्केट दबाव में है। मेरा पहला सवाल प्रियांक उपाध्याय आपसे ये होगा कि आज शाम के कारोबार के लिए, यानी अगले 6 घंटे के लिए, अगर गोल्ड में कारोबार करना हो तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस यानी 29,575 के आसपास क्या करना चाहिए? देखिए, जो करंट प्राइस है मेरे हिसाब से अभी भी अट्रैक्टिव ही लग रही है बाइंग की तरफ, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का अगर देखें तो एक बार 29,900 से लेके 30,000 के टारगेट्स बनते हैं, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी 29,500-450 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे, वहाँ पर बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ प्रहलाद हैं राजस्थान से, ग्वार पर इनका सवाल है। प्रहलाद, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, मैं चुरू राजस्थान से बोल रहा हूँ, किसान हूँ सर जी। मेरे पास ग्वार है 100 बोरी, अक्टूबर तक 8,000 का भाव आ सकता है सर। चलिए, आप जानना चाहते हैं क्या अक्टूबर तक 8,000 का लेवल ग्वार में मिल सकता है, ये आप जानना चाह रहे हैं। अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछा है, और इनफैक्ट ग्वार की बात करें तो काफी ज्यादा तेजी आई है, एक हफ्ते में 10% तक दाम बढ़े हैं। फंडामेंटल ग्वार के स्ट्रांग हैं, पहले आपको फंडामेंटल बता दें और फिर हम आप जानकारों की राय आपको बताएंगे। स्टॉकिस्ट और मिलों की लिवाली से कीमतों में ये तेजी आई है, और राजस्थान में ग्वार उत्पादन के अनुमान में कटौती की गई है, और राजस्थान सरकार ने उत्पादन के अनुमान में 36% तक की कटौती यहाँ पर की है, यानी उत्पादन कम है। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड ग्वार गम की करीब 25% तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। ये कुछ फंडामेंटल हैं जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिख रहा है और आगे भी दिख सकता है। अमित सजेजा, क्या 8,000 का लेवल मुमकिन दिख रहा है आपको ग्वार में ऐसे में लॉन्ग टर्म में? फेवरेबल चाल दिखी है मुझे, 8,000 थोड़ा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लग रहा है, बट हाँ 6,000 से 6,500 तक के भाव में डेफिनेटली दिख सकते हैं, तो जो भी अभी करंट भाव एक्युमुलेशन के लिए अच्छे हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, और ग्वार के साथ साथ बात कर लेते हैं एक और काउंटर की, जीरे की, जहां पर आज जबरदस्त गिरावट आई है, करीब 4% नीचे जीरा वायदा बंद हुआ है भारी गिरावट के साथ, क्योंकि ग्वार के जीरे की सप्लाई मार्केट में बढ़ी है डिमांड के मुकाबले, अरेवल में बढ़ोतरी हुई है, इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। क्या आपको लगता है अमित की जीरे में अभी और गिरावट बाकी है? जी, मेरे ख्याल से देखिए, ये गिरावट पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं, जहाँ पर ग्वार जीरा प्राइस स्टॉप आउट हुए थे 19,500 से 20,000 के बीच में, तब से कंसिस्टेंट डिक्लाइन है जो अभी भी जारी है। मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द हमें 15,500 तक के भाव भी दिख सकते हैं, तो फिलहाल तो सेल का ही ओपिनियन है जीरा में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल जीरे में बिकवाली करके चलना ही बेहतर होगा, लेकिन नीचे में टारगेट क्या होगा आपका अमित? जैसे मैं कहा, करीबन 15,500 तक हमें 1 महीने के अंदर दिख सकती है। ओके, ठीक है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ बलराम पटेल हैं राजस्थान से, कच्चे तेल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए। बलराम पटेल, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। पूछिए। मैंने क्रूड ऑयल बाय कर रखा सर 3630 रुपए से।
10 लॉट 3630 पे आपने 10 लॉट क्रूड बाई किया है, 3635 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आप इनको सलाह देंगे प्रियांक उपाध्याय, क्या इनको अभी रुकना चाहिए, कुछ तेजी की संभावना आप देख पा रहे हैं क्रूड में? देखिए क्रूड में अभी एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरा मानना है कि जल्दी हम एक ऊपर का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो प्राइसेस में हम 100 रुपीज़ का रैली ऑन द हायर साइड देखते हैं करंट लेवल से। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमारा भी बाई कॉल ही है, 3620 के आसपास मिलता है तो बाई करना चाहिए उनको। 3545 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पोजीशंस पे। और मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बार 3720-3750 के रेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ दिनेश हैं एमपी से, पूछिए दिनेश। मुझे सिल्वर में बेचना खरीदना चाहिए, चांदी में करंट रेट पर अभी क्या करना चाहिए बताएं अमित, क्या करना चाहिए चांदी में, बाय या सेल? जी देखिए 43,150 से 43,000 की जो रेंज है ये एक अच्छी सपोर्ट जोन है। हल्की सी डिप आ सकती है 150 से 200 रुपए की, बट मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा, डिप से बाय किया जा सकता है। अपसाइड में करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट करीबन 43,700-750 तक जा सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। ओके, आप कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर आप दे रहे हैं, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस के ऊपर, प्रियांक उपाध्याय क्या कमेंट होगा आपका, एनजी में आज किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? देखिए नेचुरल गैस में हमने देखा है कि 165 से एक बाउंस बैक दिखाया है, बट ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस बैक ही है एंड अभी भी ट्रेंड डाउन साइड की तरफ ही प्रोजेक्ट कर रहा है। ऑन द हायर साइड 184 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स है, तो जब तक 184-188 ये क्रॉस नहीं करता कन्विंसिंगली ट्रेंड डाउन साइड का रहेगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे में एक बार 175-172 के रेंज हम फिर से देख सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ भरत सिंह हैं हरियाणा से, ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए भरत। इसमें सर इसमें लिए अप्रैल तक इसका भाव कहाँ तक जा सकता है जी, एक्सपोर्ट मांग कितनी है जी? ठीक है, अप्रैल तक ग्वार का भाव कहाँ तक जा सकता है, हम लगातार ये आपको बता रहे हैं कि ग्वार में काफी तेजी आई है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, अप्रैल तक का क्या टारगेट है आपका अमित ग्वार के ऊपर? देखिए अप्रैल तक करीबन 4,100 से 4,200 की रेंज हमें देखने मिल सकती है, तो यहाँ से भी एक डिसेंट अप्रिसिएशन है, 20% की लगभग तेजी हो सकती है। ओके, तो यहाँ से करीब 20% तक की तेजी आपको ग्वार में दिख सकती है अप्रैल तक, और 4,000 से 4,100 का लेवल आपको यहाँ पर दिखने की संभावना है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ महेश पटेल है अहमदाबाद, और अहमदाबाद से पूछिए महेश। हेलो जी, पूछे आज जिंक और लेड 3 महीने में ऊपर कहाँ जा सकते हैं और नीचे कहाँ जा सकते? ठीक है, 3 महीने में जिंक और लेड का अपसाइड और डाउन साइड टारगेट आपका क्या होगा प्रियांक उपाध्याय? देखिए जिंक में हम देख रहे हैं कि ऑन द लोअर साइड 180 के सपोर्ट से रहेंगे एंड ऑन द हायर साइड 192-193 के रेजिस्टेंस है। अगर 192-193 के ऊपर सस्टेन करने में हो जाता है तो एक रैली हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 200 ऑड लेवल्स, और 180 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हम 173 से लेकर 170 के रेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेड में भी ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट्स है 148 से लेकर 145 के है, एंड ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस 155-158 के आसपास है, तो ये रेंज के बाहर निकलेगा तब एक डायरेक्शनल मूव मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आ सकता है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मुकेश हैं एमपी से, सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए मुकेश। सर मेरे पास फिजिकल में सोयाबीन है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लंबी तेजी कब तक आएगी टिकाऊ? लंबी तेजी आप जानना चाहते हैं सोयाबीन में कब तक आएगी, क्या कमेंट होगा आपका, क्या आउटलुक आप रख रहे हैं अमित सोयाबीन के ऊपर? जी देखिए फिलहाल तो हमने एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए देखा आज के दिन में, बट तेजी काफी टाइम से यहाँ नहीं आई है। ऑल्दो मंदी भी जो है मुझे लगता है अभी शॉर्ट लिव्ड है, 2 से 3 हफ्तों के बाद हमें बॉटम आउट होता हुआ दिख सकता है 2,700-2,750 की रेंज में, उसके बाद हमें एक टिकाऊ तेजी दिख सकती है। अगर प्राइसेस रिबाउंड होती है तो 3,200 से 3,300 तक अपसाइड देखने मिल सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है, अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के सबसे बेहतर मौके होंगे तो आप कॉल करिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।
प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अगले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, श्याम हैं, और इन्होंने सवाल पूछा है एसएमएस के जरिए कि आने वाले समय में जिंक में क्या आउटलुक देखने को मिलेगा एक महीने में, तो एक महीने के लिए क्या टारगेट है आपका जिंक में अमित? जी देखिए, फिलहाल शॉर्ट टर्म बायस जैसे प्रियांक ने बताया 193 के नीचे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है और हमें इमीडिएट मूव 182 183 तक स्लिप होता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव है, बट ऑन द होल इट्स नॉट टू बेरिश, नीचे में बाय किया जा सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ सोनू है यूपी से, पूछिए सोनू। सर हमारे पास मेंथा 2 लॉट है 1100 के रेंज से, क्या मार्च या अप्रैल तक हमारा भाव आ सकता है? क्या व्यू होगा आपका मेंथा के ऊपर अमित? जी मेंथा फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है कि एक बार 1000 तक डिप हो जाए, बट अगर ये यदि 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो इनके भाव के ऊपर के भाव में दिख सकते हैं, 1150 तक के भाव भी दिख सकते हैं 2 महीने। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ संदीप है हनुमानगढ़ से, गेहूं के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए संदीप। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज के कारोबार के लिए आपका व्यू निकिल के ऊपर क्या होगा प्रियांक उपाध्याय? 6 घंटे में निकिल में किस तरह का ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप सारे बेस मेटल्स में देखेंगे तो निकिल और एल्यूमिनियम एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा जो ऊपर की तरफ ट्रेंड बता रहा है। मुझे लगता है निकल में भी बाइंग की सलाह रहेगी हमारी, 722 के आसपास इसे बाय किया जा सकता है। 700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऑन द हायर साइड वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ अराउंड 745-750 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और काउंटर की यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लिए और कहाँ पर कमाई के मौके हो सकते हैं। कैस्टर को लेकर के क्या कमेंट होगा आपका अमित सजेजा? देखिए कैस्टर रीलॉन्च होने के बाद हमने देखा था कंसिस्टेंट तेजी है, तो उसके बाद फिर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। मुझे लगता है कि ऑन द होल डाउनसाइड में सपोर्टेड है, करंट प्राइस से करीबन 10-15% की तेजी ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड हमें देखने मिल सकती है, तो मोर ऑर लेस ट्रेंड अपसाइड है उसका। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जयप्रकाश है भिवानी से, पूछिए जयप्रकाश। नमस्कार जी, कॉटन के ऊपर सवाल है जी मेरा। हाँ पूछिए। कॉटन की 22,000 तक कब तक हो जाएगी? 22,000 तक कब तक कॉटन का भाव जा सकता है ये आप जानना चाहते हैं, क्या लगता है आपको अमित कॉटन में? देखिए फिलहाल 20,700 के ऊपर प्राइसेस सपोर्टेड हैं, 21,600 का एक इमीडिएट ब्रेकआउट है, यदि वो देता है तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ही 22,200 तक के भाव दिख जाए, तो फिलहाल तो अप ट्रेंड में है, बाय होल्ड किया जा सकता है। संदीप है हरियाणा से, पूछिए संदीप। हम जी ग्वार जो मई तक कितना हो सकता है सर? आप मई तक का टारगेट जानना चाहते हैं? जी अप्रैल तक का अभी बताया था अमित सजेजा ने कि 4100 तक का लेवल आपको देख सकता है, मई में क्या भाव आप देख पा रहे हैं अमित? देखिए ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स एक स्टेडी अप्रिसिएशन देखने मिल सकता है, तो भाव अपसाइड ही देखेंगे, 4000 प्लस दिख जाएंगे मई तक। ओके तो मई में भी यहाँ पर तेजी ही रहेगी कीमतों में, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। एल्युमिनियम आपको शाम के कारोबार के लिहाज से प्रियांक कैसा काउंटर दिख रहा है मेटल में? एल्युमिनियम में भी मुझे लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल है कंपेयर टू अदर बेस मेटल्स, अभी 127 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत डिप मिलता है 126-50 के आसपास तो बाई किया जा सकता है, 124 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और 128-129 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपका क्या व्यू होगा अमित एल्युमिनियम के ऊपर? जी मैं भी सिमिलर व्यू शेयर करता हूँ, 123-124 में लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स हैं, हो सकता है हमें 130 के करीब के भाव मिल जाए एल्युमिनियम में। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ और कमोडिटी की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके कल के कारोबार में हो सकते हैं। मस्टर्ड आपको कल के कारोबार के लिहाज से कैसा काउंटर दिख रहा है अमित? देखिए मस्टर्ड में अभी वीकनेस जारी है मेरे हिसाब से, अपसाइड में 3,800-820 के रीजन में रेजिस्टेंस है, डाउनसाइड में 3,650-3,700 के रेंज दिख सकती है, तो फिलहाल मैं सेल की सलाह दूंगा।
ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ अतीक हैं एमपी से, कॉपर पर इनका सवाल है, पूछिए अतीक। आप सुन पा रहे हैं? पूछिए। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में अभी प्रियांक क्या करना चाहिए बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास? देखिए कॉपर में हमने देखा है कि ड्रास्टिक फॉल देखा था लास्ट वीक में, 388 के आसपास के लोस बनते हुए देखे थे हमने, अभी 393 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी जब तक 388 386 के सपोर्ट्स होल्ड होते हैं तो एक पुल बैक देख रहा हूं मैं ऑन द अपसाइड टुवर्ड्स 397 से लेके 398 तक। अगले कॉलर हमारे साथ हरीश हैं राजकोट से, गुजरात से, पूछिए हरीश। हरीश पूछिए, आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, मेरा ग्वार सीड और कैस्टर सीड के बारे में। हाँ पूछिए, ग्वार और कैस्टर के बारे में जानना चाहते हैं आप। ग्वार में तो तेजी की संभावना बनी हुई है, और कैस्टर के ऊपर क्या व्यू है आपका अमित, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए? जी कैस्टर में भी मेरा व्यू लॉन्गर टर्म बेसिस बाय ही रहेगा, 10-15% करंट प्राइस से एप्रिसिएशन देख रहा हूँ। ओके, लेड के ऊपर प्रियांक उपाध्याय क्या कमेंट होगा आपका शाम के कारोबार के लिए? लेड अराउंड 150 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इमीडिएट सपोर्ट है 148 का, एंड ऑन द हायर साइड 152-153 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ओवरऑल जिस तरह से बेस मेटल्स देख रहे हैं हम, निकल एल्यूमिनियम आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेड जिंक का कॉपर एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे। कोरिएंडर में भी आज काफी ज्यादा गिरावट आई है, क्या व्यू होगा आपका अमित, ये गिरावट क्यों आई है और क्या ये गिरावट अभी आपको लगता है कि बढ़ सकती है? जी देखिए, फिलहाल हमें कोरिएंडर में खास डिमांड आते हुए नहीं दिख रही है, और काफी टाइम से ये 7,500-7,300 के भाव के ऊपर जा नहीं पा रही थी प्राइसेस। मेरे हिसाब से इसका एक डाउन ट्रेंड या डिक्लाइन चालू हो गई है, एंड सेलोन डालिस ही करते रहना चाहिए जब तक 5,800 के भाव हमें नहीं दिखते हैं इसमें। 5,800 का भाव कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमित? 1.5 से 2 महीने का टारगेट है, लेकिन इसके ट्रेंड डाउन है, तो जो भी रैलीज आती है सिग्निफिकेंट उसमें बेचना चाहिए। ओके, तीरथ है राजस्थान से, पूछिए तीरथ। सर ग्वार लिया हुआ, किस भाव पे लिया है आपने? ग्वार ले रखा है जी मैंने 4,000 भाव का, 2 साल हो गए। 4,000 का भाव का आपने ले रखा है, तो अभी 4,000 के ऊपर भाव जी बिल्कुल आ सकता है, जुलाई तक इंतजार कर सकते हैं सर। हाँ तो अप्रैल तक ही, जैसा कि अभी अमित बता रहे थे कि अप्रैल मई में आपको 4,000 के ऊपर का भाव दिख सकता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप वेट कर सकते हैं जैसा कि जानकार मान रहे हैं। चीनी के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका अमित सजेजा, शुगर में क्या किस तरह का ट्रेड आप देख पा रहे हैं? देखिए शुगर में भी जो तेजी है वो फिलहाल तो गिव अप नहीं हो रही है, फिलहाल फंडामेंटल्स मिक्स्ड है, उस वजह से प्राइसेस एक कंसोलिडेशन में है। मेरे हिसाब से दोबारा ये तेजी दिखा सकते हैं और हमें 4,000 के ऊपर के भाव दिख सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। ओके ठीक है, तो आप बाई करके यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसा मानना है अमित का कि आगे आपको इसमें और तेजी दिख सकती है। प्रियांक कल के कारोबार के लिए, चूंकि कल ट्रंप की पॉलिसी पर बाजार की नजर रहेगी, रुपए के ऊपर क्या आप इम्पैक्ट देख पा रहे हैं और रुपए का आउटलुक आपके हिसाब से क्या है? देखिए रुपी का एप्रिसिएशन जो का ट्रेंड बना हुआ है वो मेरे हिसाब से बना रहेगा, हायर साइड 6720 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब एक हम डॉलर में स्ट्रेंथ लौटते हुए देखेंगे अगेंस्ट द रुपी, पर जब तक 6720 कैप्ड है मेरे हिसाब से एक बार 66.5-66.30 के रेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? जी मैं सिल्वर में बाइंग की सलाह दूंगा 43,150 पे, स्टॉप लॉस होगा 42,850 का और टारगेट 43,750। आपकी कॉल प्रियांक। क्रूड ऑयल में बाइंग की सलाह रहेगी 36,20 के आसपास, टारगेट्स ऑन द हायर साइड वुड बी अराउंड 37,30। आपकी आखिरी कॉल अमित। जी इंसिडेंटली मेरा भी क्रूड में ही है, 3,610 पे शॉर्ट टर्म बाइंग की सलाह होगी, 3,680 के टारगेट्स होंगे और 3,570 का एक इमीडिएट स्टॉप होगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित सजेजा आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि शाम के कारोबार में कहां पर कमोडिटी में कमाई के मौके हो सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।